alternate obstruction. So let's begin with the physiology. What is micturition? How could it possible that any patient who is voiding normally is going to suddenly going to stop, he is not able to micturate? Then what is normal physiology? For normal physiology, last time we have discussed in class of the incontinence about the physiology. Physiology में क्या है? सबसे पहला important चीज़ है कि आपका storage not and कोई outlet obstruction ना हो, यानी कि there was void. पहला चीज़ sensation. यदि nerve की बात करें हम लोग, nervous system की बात करते हैं, तो sensory and motor. Nerve supply उसकी intact होनी चाहिए. Sensory what does it mean? If bladder is storing urine, then what does it mean? It means bladder, if there is some critical limit of the storage of the bladder. If it is storing more than 350 ml of the urine, in that condition actually bladder is saying to the brain. Brain saying to the brain, what does it mean? Perception should be normal. यानी कि bladder की जो भी changes हो रही है, उसको हमारा brain है जो कि perceive कर रहा होता है. यदि यहाँ कहीं भी perceiving में problem हो जाएगी, तो patient is going to retain the urine. He is not going to void. मतलब समझे? Suppose करो bladder क्या है? Bladder की एक खास storage property होती है. वो storage property होती है कि जैसे ही urine आना शुरू होता है, then bladder क्या होता है कि without raising intravesicular pressure, it is retaining urine. मतलब कि उसकी एक normal pressure होती है जो 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O अप टू 15 सेंटीमीटर ऑफ H2O वो प्रेशर हमेशा है जो कि वो मेंटेन करती है. ठीक है, चाहे उसमें 500 ml यूरिन स्टोर करने के लिए दे दो या 1000 ml यूरिन स्टोर करने के लिए दे दो. एंड दिस इज ड्यू टू द स्मूथ मस्कुलेचर ऑफ द ब्लैडर, जिसकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी. ठीक है, ये ब्लैडर में खास होता है. So, सबसे पहले ये जब स्टोर कर रहा होता है तो एक क्रिटिकल वॉल्यूम और लिमिट की बात मैंने की, दैट शुड बी 350 to 500. जैसे ही इतना ब्लैडर में आता है वैसे ही क्या होता है कि ही सेइंग टू द ब्रेन, राइट नाउ भाई मेरी स्टोरेज कैपेसिटी से बाहर होने जा रही है, अब जल्दी कुछ करो वरना जो नेक्स्ट नीचे एक्ट करने वाला है, कंट्रैक्ट करने वाला है मोटर के एक्शन से लाइक डिट्रूजर, वो कंट्रैक्ट करेगा एंड यू आर गोइंग टू वॉइड. यानी कि वॉइड एक सोशल फंक्शन है. ठीक है, जब हम वॉइड कर रहे होते हैं हमें पता हो रहा होता है कि मुझे कहाँ वॉइड करनी है. सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम, सेंसेशन एंड सोशली रिकॉग्निशन. यू हैव टू नो वेयर द लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड है. ओके, मतलब आपको कॉर्टिकल अवेयरनेस ये होता है कि मुझे कहाँ वॉइड करनी है, वॉइड एट राइट प्लेस. ठीक है, सेंसरी मोटर, ब्लैडर तुम्हारा बना, ब्लैडर स्टोर करता है यूरोथेलियम होता है, उसके आगे मसल्स होते हैं जिसको डिट्रूजर मसल कहते हैं. ठीक है, डिट्रूजर मसल इज एक्चुअली एक्टिंग इन द कोऑर्डिनेटिंग वे शो दैट वी आर एबल टू वॉइड द यूरिन. सो चलो, मोटर का काम होता है डिट्रूजर को कंट्रैक्ट करना. ठीक है, लेकिन इन सब को होने के बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है, तीन चीजें नर्वस सिस्टम के अंदर आई. फिर देखो एक चीज है जो दूसरी चीज होती है स्टोरेज, यानी कि अभी मैंने विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया तुमने कि हमारा ब्लैडर स्टोर करता है यूरिन को विदाउट रेजिंग इंट्रावेसिकुलर प्रेशर. व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंट्रावेसिकुलर प्रेशर? लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को बताया था क्या पॉइंट, ये है यदि कहीं भी इसका इंफ्लामेशन हो या इसमें हीलिंग हो, रेडिएशन वगैरह से एक्सपोजर होती है, देन कैपेसिटी और स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज गोइंग टू रिड्यूस. इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इसका जो कॉम्प्लायंस है वो डिक्रीज कर गया. कॉम्प्लायंस क्या होता है, दैट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा पी. इसमें क्या होता है, सॉरी कॉम्प्लायंस है जो कि हाँ डिक्रीज कर गया. इसमें क्या है कि वॉल्यूम ऑफ यूरिन क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लायंस. ठीक है, यानी कि एक सेमी वॉल्यूम को स्टोर करने के बाद जो ब्लैडर की इंट्रावेसिकुलर जो प्रेशर है वो रेज होने जा रही है ना. तो एक लिमिट है जहां कि हमारा यूरेटर किडनी है जो कि एक्सक्रीट कर रहा होता है यूरिन को, है ना, एक लिमिट ऑफ प्रेशर जहां क्रॉस होगी तो तुम्हारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अफेक्टेड होने जा रहे हैं. ठीक है, मीन
जहां भी 40 सेंटीमीटर ऑफ H2O प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है, नॉर्मली मैंने बोला 10 टू 15 सेंटीमीटर ऑफ H2O इंटरसेल्युलर प्रेशर होता है, बट हियर इन दिस केस यदि स्टोरेज कैपेसिटी में कहीं भी प्रॉब्लम हुई तो फिर प्रेशर यदि 40 से ज्यादा हो गया तो तुम्हारा रिनल एक्सक्रेटरी सिस्टम इंडेंजर्ड होता है, ठीक है। सो ये फिजियोलॉजी के अंदर है, और इसमें क्या हो गया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन होता है तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज करना है और स्टोरेज प्रेशर को डिक्रीज करनी है, ठीक है। एंड तीसरा, स्टोरेज के बाद तुम्हारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल। यहाँ देखो हमारे ब्लैडर के पास जैसे ही हम आगे आते हैं ब्लैडर नेक्स्ट है, तो ये यूरेथ्रा होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी, ठीक है। तो यहाँ देखो ये सारा प्रोस्टेट होता है, तो अप टू प्रोस्टेट दिस द इंटरनल यूरेथ्रा। यहाँ मेन में हमेशा दो यूरेथ्रा दो स्फिंक्टर होते हैं, ठीक है, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं एक इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं। एंड दिस इज दैट्स व्हाई कॉन्टिनेंस के लिए क्या कहते हैं, यदि तुम्हें पेल्विक फ्रैक्चर इंजरी यदि होता है, ठीक है, तो ये प्रोस्टेट यदि ऊपर हो गया डिस्ट्रैक्ट भी हो गया, मेल को घबराने की कोई बात नहीं होता, यू आर नॉट गोइंग टू बी इनकॉन्टिनेंट, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ वाला जो यूरेथ्रा है जो मेम्ब्रेनस को सराउंड किए हुए जो यूरेथ्रा है वो पर्टिकुलरली कॉन्टिनेंस को यहाँ मेंटेन करती है, ठीक है। सो जब यहाँ डिफ्यूजर है जो कि कंट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ का जो स्फिंक्टर है उसको क्या होना चाहिए, इसे ओपन होना चाहिए, हाँ इसे ओपन होना चाहिए। इसका मतलब है कि देयर शुड बी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एवरी नर्वस सिस्टम हियर, और सेम टाइम जिस समय डिफ्यूजर कंट्रैक्ट करेगा उसी समय ये दोनों स्फिंक्टर को ओपन होना है फॉर नॉर्मल कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म। सो पर्टिकुलरली इन एनी केसेस इन विच इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो सोमैटिक जो इनर्वेशन होता है वो पुडेंडल नर्व के थ्रू होता है, हां उसी से कैरी करता है, बट ये जो इंफॉर्मेशन है वो कहां जाता है, पॉन्टिन तक जाता है। पॉन्टिन इज म्यूचुरेटिंग सिस्टम फॉर अस एंड सोशल रिकॉग्निशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट टेस्ट वेयर यू हैव टू वॉइड इज डिसाइडेड बाय दिस इज लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ कहीं भी बीमारी होगी इंटरप्शन जो कौन से लेकर के तुम्हारा पेल्विक प्लेक्सस तक जो भी नर्व सप्लाई है किसी भी तरीके से डैमेज होगा तो पेशेंट वॉइड नहीं करेगा और यूरिन रिटेन हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को समझो, सपोज करो कोई किसी को पार्किंसंस डिजीज हो गया है, ठीक है, या किसी को ट्रॉमा हो गया है जिसमें कि नर्व सप्लाई इंटरप्ट हो गया, पार्किंसंस हो गया है या फिर डिमेंशिया उसको क्या बोलते हैं अल्जाइमर हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कॉर्टिकल सिस्टम अलोंग विद द लिम्बिक सिस्टम भी पार्ट उसी के होते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली वहां क्या होता है कि पेशेंट इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि कब उसे वॉइड करना है, कॉर्टिकल सिस्टम है जो कि एट्रोफाइड हो गए हैं, सो नॉट एबल टू सेंस ब्लैडर इज राइट नाउ फुल। सो पर्टिकुलरली क्या होता है, ओवरफ्लोइंग कॉन्टिनेंस होता है, ऐसे ही पेशाब बनता रहता है और बिल्कुल पेट फुला हुआ रहेगा, है ना। तो यही कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऑफ स्फिंक्टर्स, ये तीसरा हो गया। चौथा, एनी ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखो सपोज करो यहाँ प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट का मीडियल लोब यदि लार्ज हो जाता है तो क्या होगा, सडन वहां इंफ्लामेशन होगा और सडन वहां क्या होता है, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन होता है। एनी फिर सपोज करो कि ब्लैडर में यहाँ यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा पर्टिकुलरली बल्बर यूरेथ्रा आर मोर रिस्पॉन्स मोर कल्प्रेट फॉर स्ट्रिक्चर्स फॉर्मेशन, ठीक है। सो पर्टिकुलरली एनी स्ट्रिक्चर हियर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ हो गया और दूसरे कॉजेस गिना सकते हो लाइक पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व हो गया, ठीक है, एंड सम अदर पैथोलॉजी जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं, यूरेथ्रल कार्सिनोमा हो सकता है, मेटल स्टेनोसिस हो सकता है, ठीक है। तो और समटाइम्स क्या होता है, इवन स्टोन भी आते हैं, स्टोन आकर के फंस जाते हैं, दैट मे कॉज एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के जो भी कॉजेस हैं सब आ जाएंगे, ठीक है। फिर सम अनदर कॉजेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन व्हिच मे प्रेजेंट एज यूरिनरी रिटेंशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, कार्सिनोमा ब्लैडर, पर्टिकुलरली ओल्ड एज में, क्लियर। तो फिजियोलॉजी में समझ गए पांच चीजें था, इंटीग्रेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम था,
स्टोरेज था, कंट्रैक्शन था, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्फिंक्टर्स था, ठीक, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन था एंड एनी सम अदर पैथोलॉजी एंड द लास्ट वन मैलिग्नेंट एनक्रोच. ठीक है, सपोज करो नियर बाय जो स्ट्रक्चर है प्रोस्टेट है, फिर कार्सिनोमा सर्विक्स है, ये सब क्या करते हैं, ये सब डायरेक्ट यूरेथ्रा में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं व्हिच मे बी रिस्पांसिबल फॉर यूरिनरी रिटेंशन आल्सो. सो क्लियर, फिजियोलॉजी क्लियर हो गया तुम्हारी. ठीक है, एटियोलॉजी इसी में मैंने डिस्कस कर लिया. अब चलो अप्रोच के बारे में करते हैं जो कि एक फिक्सस केस मैंने तुम्हारे सामने रखा था. अब तुम्हारे पास एक यंग पेशेंट है, मैं तुम्हारे पास 5 ऑप्शन देने जा रहा हूं. ठीक है, एंड हाउ यू विल अप्रोच टुवर्ड्स दोस पेशेंट. एक यंग 30 साल का बंदा है, सेक्सुअली एक्टिव है, इमरजेंसी में तुम्हारे पास आया है और उसे कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है, उसे एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन हुआ है. ठीक है, अब क्या करोगे तुम, और तुम इंटर्न हो. चलो ठीक है, तुम बताओ, सारी फिजियोलॉजी तो मैंने बता दिया, अब तुम्हें रूल आउट करना होता है और उसमें वहां तुम्हें तुरंत क्विक एक्शन लेना होता है. व्हाट वे वी डू, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया जितनी भी चीजों में, ये सारी फिजियोलॉजी तो बस यही तक होंगी. यदि ओल्ड एज ग्रुप यदि कोई भी रहेगा, यदि सपोज करो 70 साल का बंदा कोई आ रहा है जो बोल रहा है मैं देख रहा हूँ कि वहां से यूरिन है जो थ्रू आउट लीक हो रहा है, और उसका आदमी बताता है बिल्कुल इग्नोर है, देखोगे कि उसके कपड़े बिल्कुल गंदे हैं, बदबू आ रहे हैं, अमोनिकल उड़र आ रहे हैं उसके कपड़े से, देन फर्स्ट things should come in your mind, you have to rule out the old age disease, Alzheimer or dementia or Parkinsonism, such kind of stuff. Because family in such times, he is behaving just like the patient is going to be paid from the society. So, he अपना वो कोई care नहीं कर रहा होता है, तो पहला चीज जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि that should be a problem of storage. ठीक है, जिसमें उसके पास sensation जा ही नहीं रहा है. Young age की बात मैंने कहा, यंग एज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होगा वो होगा यूरेथ्रल स्ट्रक्चर. ठीक है, सो यदि 28 साल का कोई बच्चा यंग लड़का या 30 साल का लड़का तुम्हारे पास आता है, ही इज सेक्सुअली एक्टिव और सडन वो यूरिनरी रिटेंशन लेकर के आता है, उस केस में अब तुम क्या करोगे. पहला प्रॉब्लम कोई भी होता है, कोई भी इंटरवेंशन यदि तुम करने जा रहे हो, कुछ चीजें हमेशा दिमाग में रखो, जो तुम करने जा रहे हो उसके पीछे तुम्हारा गोल क्या है. ठीक है, एंड रिजल्ट तुम्हें क्या हासिल करना है. रिजल्ट में दो चीजें होती है, either you are going to relieve the problems temporarily or you are going to relieve the problem permanently. You are going to cure it. ठीक है? And temporary. तुम्हारी गोल क्या होती है, प्राइमरी कोई इमरजेंसी में तुम्हारे पास पेशेंट आता है तो सडन उसकी एग्नी को तुम्हें दूर करना तुम्हारा गोल होता है ना, तो उस गोल को कैसे हम अचीव करेंगे, बहुत सिंपल थिंग है. Obstruction, retention, तुम्हें पहले ये जज करना होता है कि पेशेंट को भाग गई, acute urinary retention है, young age group है तो, या something is different. ये भी तो हो सकता है कि उसे cystitis हो और वो पेशेंट end stage renal disease में हो या chronic renal failure में हो, उसकी urine formation भी नहीं हो रही हो और उसे ये अर्ज आ रहा हो कि मुझे पेशाब लगी. अक्सरा होता है तुम्हारा वार्ड में कि पेशेंट इवन इन स्पाइट इफ यू आर पुटिंग ब्लैडर पॉलिश कैथेटर इनसाइड द ब्लैडर ही इज सेइंग यू दैट मुझे पेशाब करनी है सर. ठीक है, सच काइंड ऑफ द क्वेश्चन इज यूजुअली पेशेंट सेड. तो फिर क्या होता है, यहां तुम्हें ये चीजें जज करनी होती है, तो वो जज कैसे करोगे, सबसे पहले तुम्हें सुप्रा प्यूबिक बल्ज देखनी है. यदि तुम्हारे पास अल्टर देख लो है भी नहीं, उसके बाद तुम्हें परपस करके तो वहां देख लेना होता है कि रियली दिस इज समथिंग which is retentions or dullness वहाँ मिल रहा है. देखो यहाँ है abdomen की, यदि हम बात करें emergency में तुम देख रहे हो तो पहला चीज तुम्हें यहाँ continue देखनी है, इस जगह bobble होती है, तो तुम जब percussion शुरू करोगे यहाँ तुम्हें dullness मिलेगा. ठीक है, दूसरा चीज तुम्हें क्या करना है, यदि तुम्हें dullness मिल रहा है तो needle से तुम aspirate करके कर देख सकते हो. really that things what we are seeing here as a dullness and bulge वाकई वो यूरिन है उसमें, तो तुम्हें क्या करनी है, एक लंबा सा निडिल लेना है एट लीस्ट जो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को पियर्स कर करके ब्लैडर तक जा सके. ब्लैडर वॉल थिकनेस मैंने बताया था कितने लेयर्स होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम के, एनीबॉडी वाज अटेंडिंग क्लास 6 लेयर होते हैं नॉर्मली है ना, और यही यदि पॉलिप में कन्वर्ट होता है तो दैट लेयर इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन मोर देन 6 है ना.
नॉर्मली जो ब्लैडर वाल थिकनेस होती है 6 mm की ऐसे ही होती है. इंटीरियर वाल थिकनेस डिपेंड ओवर द डिपोजिशन ऑफ द फैट बिटवीन स्कार्पा स्कैम्पस और सबक्यूटेनियस पर जो भी फैट टिश्यूज होते हैं. तो तुम्हें ये एडजस्ट करना होता है कि एटलीस्ट 5 cm तो नेडल की लंबाई होनी ही चाहिए, उससे लंबा हो तो ज्यादा बेटर है. सो यू आर डायरेक्टली गोइंग टू इम्पिंज नीडल इन द स्वेलिंग, आप उसे स्प्रेड करके देखो. बाकी स्ट्रॉ कलर यदि फ्लोट आ रहा है तो श्योर हो जाओ कि हाँ भाई ये यूरिन है. देन यू हैव टू प्लान, यू हैव टू नेक्स्ट प्लान क्या आपको करना है. तो तुम्हारा रिलीव करने के लिए इस कंडीशन सपोज करो कि ये पॉजिटिव मिल रहा है कि बल्ज है, तुमने कंफर्म कर लिया, तुम्हारे पास यदि अल्ट्रासोनोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, तब तो तुम डायरेक्ट ऐसे प्रोग्राम पे भी देख सकते हो कि ये ब्लैडर है या नहीं, है ना. लेकिन यू हैव टू टेक कॉशन. ब्लैडर की जो फंडस होती है उसके ऊपर पेरिटोनियम होता है ना. सो आपका जो अप्रोच होना चाहिए पर्टिकुलरली, अब देखो यहां से सपोज करो, अब इसको रिलीव करने का क्या क्या तरीका हो सकता है. एक दो ही तरीका है, आइदर कोई कंड्यूट पास करो जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, उससे क्रॉस करके तुम तो ब्लैडर में सीधे पहुंच जाओ, है ना. या दूसरा तरीका है कि तुम ऊपर से कोई कैथेटर डाल दो परक्यूटानियस, ठीक है, जिसको कि एसपीसी कहते हैं, सुनता है सिस्टर्स को, ठीक है. तो पर्टिकुलरली यंग एज ग्रुप यदि एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन लेकर के आया, तो सबसे पहले हमेशा कोई भी पेशेंट, ये यूनिवर्सल डिक्टम बना लो, एनी पेशेंट इवन ओल्ड और यंग इज कमिंग टू यू विद एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, देन यू हैव टू गो विद द फॉलिक कैथेटराइजेशन फर्स्ट और एनी कैथेटर व्हिच मे बी पॉसिबल. तो कैथेटर कितने तरह का होता है, यहां से क्वेश्चंस ये उठना शुरू होता है. तो बहुत तरह के कैथेटर होते हैं जिसको तुम जानते हो कि रिटेंशन मैकेनिज्म के आधार पे कैथेटर को डिवाइड किया जाता है. हम लोग वार्ड में इस चीज को कभी डिस्कस किए थे, ठीक है. तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा यूज होता है फॉलिज कैथेटर यूरोलॉजी में यूज होता है या निलेटेंस यूज होते हैं, ठीक है. निलेटेंस एक हार्ड कैथेटर होते हैं जिसको सेल्फ वॉइड के लिए लोग यूज करते हैं, ठीक है. और इवन समटाइम्स फॉर एनी पेशेंट सफरिंग विद स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, जहां की एक टफ कंड्यूट की जरूरत होती है, वहां पर्टिकुलरली आप उस निलेटेंस को यूज करते हैं बिकॉज उसकी टेक्सचर जो होती है एंड उसकी कंसिस्टेंसी वो टफ होती है और वो इजिली पॉसिबल होता है. सो चलो फॉलिज कैथेटर ट्रांजिशन, फॉलिज इज द मोस्ट कॉमन कैथेटर व्हाट यू आर यूजिंग फॉर ड्रेनेज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन, ठीक है. तो आप यहां से सबसे पहले ट्राई करो, यंग एज ग्रुप है तो कितना. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि कितने नंबर का फॉलिज कैथेटर आपको यूज करना है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको एनाटॉमी में बताया था इट्स अ मिएटस जो कि सबसे कम डिस्टेंसेबल एंड सबसे ज्यादा मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम होता है. तो कितने फ्रेंच का कैथेटर पर्टिकुलरली वहां से पॉसिबल होता है इन एडल्ट में, इट्स द 24 फ्रेंच, ठीक है. यही मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, वहां आप 32 फ्रेंच तक जा सकते हैं, इवन 36 फ्रेंच यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो आपको हमेशा जो पहला काम करना होता है वो होता है कि मैक्सिमम साइज सिलेक्ट करना होता है. इसीलिए मैंने बताया कि मैक्सिमम साइज कितना आप यूज कर सकते हैं नॉर्मली. तो कोई भी यंग एडल्ट पेशेंट आफ्टर 14 यदि आपके पास आता है, 14 ईयर ऑफ एज, ठीक है, तो आपको जो पहला कैथेटर जो यूज करना है वो 24 नंबर का ट्राई करना है ना. उसके बाद यदि वो पॉसिबल नहीं है तो उसके नंबर आप डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है. इसकी अपनी कलर कोडिंग सिस्टम होता है जिसके आधार पर लेटर ऑन आप सिस्टर को सीधा बोल रहे हैं रेड पॉलिश देना, ये देना, वो देना, ब्ला ब्ला ब्ला, उसको आप देख लेना, ठीक है. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जब आप वाइवा देने जाएंगे, ठीक है. कलर इंटरनेशनल कलर कोडिंग सिस्टम ऑफ द पॉलिश कैथेटर, ठीक है, जो मुझे ही नहीं पता था अनफॉर्चुनेटली. तो चलो ये चीजें हो गई. सपोज करो कि इवन मैं 12 फ्रेंच का फॉलिज कैथेटर ट्राई कर रहा हूं एंड आई एम नॉट एबल टू निगोशिएट इन दिस यंग मेल फिलो, तो उस कंडीशन में क्या करना है. तो ये चीजें कंफर्म है कि जब इतना छोटा कैथेटर भी नहीं जा रहा है और हमेशा फॉलिज कैथेटर कैथेटराइजेशन के समय इस चीज का ध्यान रखो, यू शुड बी जेंटल, कभी भी बहुत ज्यादा टाइट प्रेशर के साथ मत करो. तो चलो ठीक है, यहां चीजें खत्म हो गई. अब नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, तो ये वाली जो वे मतलब दिस इज द वे यूरेथ्रल वे अब तुम नहीं अपना सकते हो, तो फिर क्या करोगे,
तो तुम्हें सुप्रा पेलविक फॉलिज कैथेटराइजेशन करना है, ठीक है, जिसमें एसपीसी सेट आती है जिससे कि आप डायरेक्ट पंक्चर करते हुए जा सकते हो। उसमें क्या करना होता है, एक यदि दो तरीका होते हैं, एक होते हैं ऑब्टरेटर बेस्ड एक एसपीसी सेट आते हैं जो कि जस्ट लाइक ऐसा होता है, इसकी ये ओपनिंग होती है और ट्यूब इस तरीके से होते हैं, ठीक है, और इसमें एक ऑब्टरेटर होता है, ऑब्टरेटर कुछ इस तरीके से होता है जिसके ये पॉइंटेड एंड होते हैं, ठीक है। तो आपको इस ऑब्टरेटर को इस ट्यूब के अंदर डाल देना होता है, 1 सेंटीमीटर का इंसिजन सुप्रा प्यूबिक रीजन में, जस्ट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस तो आप यहाँ देख लो, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर अवे एक पैरेलल इंसिजन 1 सेंटीमीटर का देना है, उसको थोड़ा सा स्प्लिट करना है और ये जो ऑब्टरेटर के साथ जो सेट है उसको सीधे है जो कि अंदर की तरफ करता है, हमेशा पेल्विस की तरफ में डायरेक्शन देना, और ये तभी यूज होता है जब ब्लैडर फुल हो, ठीक है, एवं अम्बिलिकस या जस्ट अप टू अम्बिलिकस हो। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ, अभी मैंने बताया आपको कि ब्लैडर के फंडस के ऊपर पेरिटोनियम का एक कवर होता है, सो दे दीजिए चांसेस, ब्लैडर यदि पूरी तरह से फुल नहीं होगी तो आप क्या करोगे, पेरिटोनियम से होते हुए चले जाओगे एंड यू कैन डैमेज विश्रा ऑफ द पेरिटोनियम गट, ये बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला सबसे पहले आप निडल से उसे कंफर्म कर लें, देन एसबीसी करें। तो चलो एसबीसी कर लिया, पेशेंट की प्रॉब्लम खत्म, लेकिन क्या प्रत्येक पेशेंट में क्या हम एसबीसी कर सकते हैं, कौन से केसेस में एसबीसी नहीं कर सकते, एसबीसी हम नहीं कर सकते पर्टिकुलरली जब कोई भी पेशेंट सफर कर रहा हो कार्सिनोमा ब्लैडर, ठीक है, बिकॉज आप उसके एग्जिट के लिए एंड इम्प्लांटेशन के लिए एक एक्स्ट्रा रूट दे देते हैं, सो एनी पेशेंट हु इज प्रेजेंटिंग टू यू, और उसमें जो मैकेनिज्म होता है वो क्लॉट की वजह से होता है, ठीक है, ब्लैडर कार्सिनोमा ब्लीड करता है, क्लॉट फॉर्मेशन करता है, और वो क्लॉट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन ऑफ द यूरिन, ठीक है, सो पर्टिकुलरली उस केस में आपको क्या करनी है, यू हैव टू यूज मैक्सिमम साइज ऑफ द ट्राइलेज फॉरिस कैथेटर, बिकॉज वहां तो ब्लड हमेशा रिश्ता रहेगा कार्सिनोमा ब्लैडर से, क्योंकि वहां पहले से मैच्योर हो रहा है, तो आपको एक कंटिन्यूअस ड्रेनेज प्रोसेस चाहिए जिसमें एक तरफ आप फॉलिक एक तरफ फ्लूइड लगा दो, दूसरी तरफ से इरिगेशन होता रहेगा, बाय द वे इसके बावजूद भी क्लॉट ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको एसेप्टो सिरिंज यूज करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर देकर के ब्लैडर वास करना, ठीक है, ब्लैडर वास करने से क्या होता है प्रेशर से क्लॉट टूट जाते हैं और वो चीजें बाहर हो जाती है। चलो ये प्राइमरी मैनेजमेंट आपने कर लिया, ठीक है, अब चीजें स्टार्ट होती है, रियल चीजें स्टार्ट होती है, आप इंटर्न की ड्यूटी निभाती है, अब नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, दिस इज अभी मैंने बताया गोल सबसे पहला होगा पेशेंट की एग्नी ठीक करना और डिजीज को क्योर करना, तो आपने टेम्पररी एक्शन कर लिया है ना, अब हमें जो मेन करना है क्योर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रिटेंशन ऑफ यूरिन, प्राइमरी चीजें कर करके अब आप स्पेशलिस्ट के पास भेज दिए, यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट को भेज दो, तुम्हारी ड्यूटी खत्म, अब एज ए यूरोलॉजिस्ट आपकी यूरोलॉजी की क्लास चल रही है, अब आपको जानना है कि अब नेक्स्ट कैसे एक्ट करना है, ठीक है, चलो अब ये स्पेशलिस्ट के पास आएगा तो स्पेशलिस्ट अब क्या करेगा, पहला चीज अब वो हिस्ट्री लेना शुरू करेगा, है ना, उसकी एक्टिंग शुरू हो गई है, पेशेंट बता सकता है जब यार कस्टम पेशाब लगा रहता है, पैखाना लगता है, तब तो आदमी सोच भी नहीं पाता है ना, हमारी सोच से ये आगे चली जाती है, सो चलो अब सोच को सोचने का मौका मिल गया, सो लेट्स इंक्वायर विद द पेशेंट, अब हमारी इंट्रैक्शन सेशन हो रही है मरीज के साथ, अब मरीज से क्वेश्चन आपको करना है, भाई कब से ऐसा हो रहा है, पहले भी ऐसा हुआ है, आप सेक्सुअली एक्टिव हो, कभी ऐसा हुआ है, सेक्सुअली एक्टिव में क्या पूछना है, वो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट प्रैक्टिस जो करते हैं सेक्सुअल प्रैक्टिस समटाइम्स क्या होता है बहुत विग्रेस करते हैं, तो कभी कभी हमारे वार्ड में एक पेशेंट आया था हमारे ओपीडी में, डू यू नो उसका हो गया था फ्रैक्चर पेनिश हो गया था, एंड स्टिल वो कभी भी किसी कंसल्ट कहीं जगह किसी जगह कंसल्टेशन के लिए नहीं गया, ठीक है, एंड मजेदार बात यह है कि he was having erection of the penis but बहुत पेनफुल था, ठीक है, शो पर्टिकुलरली आप इस चीज को हमेशा इंक्वायर करें, अब ये बड़ी कॉमन चीज होती है, ठीक है।
ठीक है। फिर दूसरा चीज आगे क्या पूछना है भाई, क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारा पेशेंट का, ठीक है, ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा चीज होता है कि कोई ट्रॉमा वगैरह तो नहीं है, ठीक है, चौथा कोई परिवर्तन डिस्चार्ज वगैरह तो उसे नहीं ले रहा था, ठीक है, इस तरह की चीजें आप पूछ लें, पेनफुल इरेक्शन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, इस तरह की हिस्ट्री हम लोग इंक्वायर करते हैं। बेसिकली जो पर्पस होता है टू नो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम, LUTS के सिम्टम उसे मिल रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो चलो हिस्ट्री मैंने उसकी कंप्लीट कर ली, कोई ट्रॉमा नहीं होता है, कुछ ये नहीं, ओल्ड एज ग्रुप है तो पूछ लेंगे भाई कि आप भूलते तो नहीं है चीजों को, उसके बिहेवियर को एक बार नोट कर लेंगे, ट्रॉमा के बारे में पूछ लेंगे कि कमर में चोट तो नहीं लगा है, आपको टीबी तो नहीं हुई है, मतलब ऑड्स स्पाइन वगैरह तो नहीं रहा है जिसकी वजह से प्रेशर्स वगैरह आ रहे हैं और हमारे जो कनेक्शन है भाई धूल से दिमाग से वो टूट गया है, ठीक है। फिर ये पूछेंगे कि आपको क्या ये पहली बार रिटेंशन हुआ है या बार बार होता है रिटेंशन, बिकॉज ओल्ड एज ग्रुप आफ्टर 50 यदि प्रोस्टेट यदि उसके पीछे रीजन है तो वो इंडिकेशन हो जाता है इंटरवेंशन का, सर्जरी का, है ना। तो चलो सारे क्वेश्चंस खत्म, अब हम लोग इन्वेस्टिगेशंस पे आ जाते हैं। अब स्पेशलिस्ट क्या करेंगे कि भाई अब मुझे ये जानना है कि वजह क्या है। सबसे पहला एग्जामिनेशन हमेशा होना चाहिए रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड बेसिक लेबोरेटरी ब्लड इन्वेस्टिगेशन। बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे तुम बताओ, अरे बोलो, नहीं नहीं तुम्हारे बीच है, देखो तो ये लड़का हमेशा बोलता है सबसे ज्यादा जवाब ये लड़का देता है, तुम लोग क्या हो, आज तुम लोग लेक्चर नहीं सुनते हो, पहले की तरह तुम लोग एक कॉमिक्स लेकर पीछे बैठे रहते हो, अरे एंडोटली यार किडनी अफेक्टेड है तो तुम क्या कराओगे, अभी भी नहीं बोल रहे, अरे सीरम क्रिएटिनिन कराएंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कराएंगे, BUN कराएंगे, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट होती है रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, ये दो इन्वेस्टिगेशन यही हो आपको कराना है, इट विल गिव यू सम क्लू। सपोज करो कि क्रिएटिनिन अल्टर्ड है तो हम लोग सीधे जाएंगे रेडियोलॉजिकल स्टडी के लिए, जिससे कि हमको पूरी किडनी की मतलब ड्रेनेज सिस्टम का इंफॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन सिस्टम का इंफॉर्मेशन मिल जाए, है ना। सपोज करो रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में तुम्हें पस सेल्स मिल रहे हैं, ठीक है, या ब्लड सेल्स मिल रहा है, इट विल गिव यू पिक्चर, फ्रैंक ब्लड यदि मिल रहा है इट विल गिव यू पिक्चर्स अबाउट द कॉज, यदि फ्रैंक ब्लड मिल रहा है या फिर सपोज करो क्रिस्टल्स मिल रहे हैं तो इससे सारी चीजें क्लियर हो जाती है, पीएच ऑफ यूरिन क्या है, इट विल गिव यू आइडिया। सपोज करो कि ब्लड सेल्स मिल रहे हैं, पस सेल्स भी मिल रहे हैं, तो इस कंडीशन में स्टोन हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक हम लोग इन्वेस्टिगेट कराते हैं। तो ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन दो चीजें होती है, ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन आप देखते हैं पेशेंट का, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन देखते हो, ठीक है, उसके मुताबिक हमें ये जज करना होता है कि रेस्ट क्या चीजें करानी है। सो अब जितने भी चीजें प्रॉब्लम तो यही है, तो अब चलो हम लोग फिजियोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि तुम किसी एटियोलॉजी को रूल आउट करो। सपोज करो पैथोलॉजी अब किडनी है, किडनी में क्या पैथोलॉजी हो सकता है, यंग एज ग्रुप स्टोन हो सकता है ना, दूसरा ओल्ड एज ग्रुप मैक्सिमम बुरा से बुरा क्या हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है, यदि स्टोन है तो क्या कराओगे, एक्सरे KUB करा के पहले देख लो, ठीक है, उससे भी काम ना चले तो IVP करा सकते हो, बट टुडेज प्रोटोकॉल इज टू गो विद द CTU नॉन कंट्रास्ट, ये इंपॉर्टेंट है। If you are suspecting patient is suffering with a renal stone, then in that condition particularly you have to go with the non-contrast CTs, ठीक है? अब सपोज करो किडनी की चीजें खत्म हो गई, अब यूरेटर पे आओ, यूरेटर में भी क्या हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है, स्टोन फंस सकता है, ठीक है, यही जो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस कर सकते हैं जहां से भी ब्लड आ सकता है और ब्लैडर आउटलेट को ब्लॉक कर सकता है और रिटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो यूरेटर को देखना हो तो क्या करोगे, सीटी यूरोग्राम, है ना, मतलब डाई डाल दो या दूसरा रेडियोन्यूक्लियोटाइड स्टडी होता है, ठीक है, DTPA बहुत सारे होते हैं, पांच एजेंट यूज होते हैं बेसिकली, वो पांच एजेंट तुम लोग मत जानो, तुम लोग सिर्फ DTPA DMSA सिर्फ याद रखो। लेकिन हाँ अब तुम लोग का क्वेश्चन बढ़ रहा है, क्वेश्चन क्या रहेगा, अब तुम लोग को MAC3 EC ये सब के बारे में समटाइम्स क्वेश्चन रेज करते हैं, ठीक है,
उसकी अपनी ब्यूटी है जिसके बारे में कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया है, वार्ड में कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग रेडियो मतलब रेडियो आइसोटोप स्टडी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो यूरेटर खत्म हो गया, किडनी के बाद हम लोग यूरेटर पे आ गए थे, है ना। यूरेटर क्या मतलब आईबीपी स्टील वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है जिससे और भी चीजों को रूल आउट कर सकते हो। ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर सपोज करो मिल रहा है, मैंने बताया समटाइम्स क्या होता है सिस्टाइटिस के फीचर आते हैं, सिस्टाइटिस के फीचर आते हैं और पेशेंट की यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं होती है, तो वो कैसे होता है उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए एक और बीमारी का नाम मैं बताना चाहूंगा दैट जिसको कि ऑर्मोन डिजीज बोलते हैं, रेटोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। उसमें क्या होता है कि बायलैटरल दोनों तरफ की यूरेटर को फाइब्रोसिस है जो कि दबा देता है, अब यूरेटर से यूरिन पास ही नहीं करेगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि किंकिंग यूरेटर ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें हो जाती है जिससे क्या होता है कि हम लोग उसका प्लानिंग भी करते हैं तो हम लोग को यूरेटर को डिलिनिएट करना होता है ना। चलो यूरेटर खत्म हो गया, अब चलो ब्लैडर पे आते हैं। अब ये मेन कल्प्रिट है, अब ब्लैडर को देखने के लिए क्या करोगे तुम? सिस्टोस्कोपी स्टिल प्रत्येक केसेस में रिकमेंडेड नहीं होता है, ठीक है, अंटिल कि यू आर नॉट सस्पेक्टिंग कि आप उस चीज को ट्रीट करने जा रहे हैं या फिर पर्टिकुलर कार्सिनोमा ब्लैडर आप कर रहे हैं। इस केस में यदि पेनलेस यूरिया कहीं भी हो रहा हो एंड दैट इज द कॉज बिहाइंड द यूरिनरी रिटेंशन तो उस कंडीशन में सिस्टोस्कोपी करना है, ठीक है, बिफोर पुटिंग फॉलिज कैथेटर करना है, ठीक है। बट यदि वहां ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें आप कर ही नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा सिस्टोस्कोपी स्टील हर जगह मैंडेटरी नहीं होती। जब ब्लीडिंग होता रहेगा तो तुम क्या देख लोगे? कुछ देख लोगे? नहीं देख पाओगे। तो चलो अब ब्लैडर को देखना है तो कैसे देखोगे? अगर सीटी यू करोगे जिसमें कि डाई आएगा आकर के बैठ जाएगा एंड यू आर गोइंग टू सी द ब्लैडर। नेक्स्ट क्या करते हो? इन्वेस्टिगेशन स्टील हम लोग बड़े कॉमन इन्वेस्टिगेशन के बारे में करते हैं, एक्चुअली इट इज राइट नाउ एक्टिंग एज अ सिंगल सिस्टम। तो अब हम लोग एक साथ बहुत सारे स्टडी कर सकते हैं, पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ब्लैडर ऑर्गेट ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। एक अल्ट्रासाउंड तुम लोग सभी भूल गए, ब्लैडर को देखना है तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन जो होना चाहिए वो अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, है ना। अल्ट्रासाउंड से तुम्हें क्या पता चलेगा? सपोज करो ब्लैडर स्टोन है, यू कैन सी, ठीक है, पॉलिप है, यू कैन सी, सिस्टाइटिस है, यू कैन सी द थिकनेस ऑफ द ब्लैडर वॉल, एनी डाइवर्टिकुलर, डाइवर्टिकुलर यदि उसमें है, डाइवर्टिकुलर मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि ब्लैडर का डाइवर्टिकुलर क्या होता है? अरे कुछ नहीं, ये ब्लैडर है, इसी का यदि मसल है जो कहीं वीक हो गया ये यूरेटर है, ठीक है, दो जगह से यहाँ आता है कंसर्न डायवर्टिकुलर होता है, इस जगह यूरेटर जहां कहीं भी जाएगा तो इसके मसल में तो ब्रीच ही करेगा, तो क्या होता है इंट्रा विसाइकल प्रेशर जहां बढ़ेगा तो म्यूकोसा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। या सपोज करो कि बहुत दिन से उसका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, इंट्रा विसाइकलर प्रेशर बढ़ा हुआ है और यहाँ डायवर्टिकुलर हो जाता है, ठीक है। डायवर्टिकुलर की एक खास ब्यूटी होती है, एक खास तरह का प्रेजेंटेशन डायवर्टिकुलर देता है। जब बहुत बड़ा डायवर्टिकुलर रहता है तो पेशेंट क्या बताएगा तुम्हें? डॉक्टर साहब देखिए ना हम पेशाब कर करके आते हैं और उसके बाद फिर हमको पेशाब लग जाता है और दोबारा पेशाब करते हैं तो खुला पेशाब होता है, मतलब कि एक को कंप्लीट पॉइंट के लिए दो बार जाना पड़ता है। वजह सबसे पहले देखो ये ब्लैडर फुल हो गया, उसने यूरिन पास कर दिया, अब ये सिकुड़ गया, ये डिलिनिएट हो गया, ये किंक था, ये क्लोज था कहीं, तो क्या होंगे जैसे ही इसका लिनिएशन मेंटेन होगा मतलब इसके मौत है जो कि बाइट ओपन जैसे ही होंगे, पर्टिकुलरली यहाँ प्रेशर जहाँ घटेगा तो यहाँ से यूरिन यहाँ आ जाएगा और फिर से ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा एंड ब्लैडर को स्टिल सेंसरी जो सिस्टम है वो रेंडल के थ्रू जाएगा, हाइपोगैस्ट्रिक के मतलब हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के थ्रू जाएगा, जाके इंफॉर्मेशन देगा भाई फिर से पेशाब करो, ठीक है। यानी कि मैच्योरेशन आफ्टर मैच्योरेशन इज प्रेजेंटेशन ऑफ ब्लैडर डायवर्टिकुलर, ठीक है, और ये डायवर्टिकुलर पर्टिकुलरली प्रोन होते हैं कार्सिनोमा के लिए, स्टोन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो आपको अल्ट्रासाउंड से ये सारे पिक्चर मिल जाएंगे। अब सपोज करो नेक्स्ट फिर इसकी कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी देखनी है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया था वॉइडिंग सिस्टो इलेक्ट्रोग्राम और यूरोडायनामिक स्टडी, यूडीएस बोलते हैं उसे, है ना।
अब रिटेंशन में सपोज करो प्रॉब्लम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ डेड क्रूजर मसल है, तो उस चीज को कैसे जानेंगे हम लोग? उसके लिए एक स्पेशल डायनामिक स्टडी होती है। डायनामिक स्टडी किसको कहते हैं? दिस इज अ स्टडी ऑफ स्टोरेज फेज ऑफ द ब्लैडर एंड रिक्यूरेटिंग फेज ऑफ द ब्लैडर, ठीक है, जिसको डायनेमिक स्टडी कहते हैं, ठीक है। तो जब हम यूरोडायनेमिक स्टडी जब बोल रहे हैं तो व्हाट इज सिग्निफाइड? यूरो यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। डायनेमिक इज गोइंग टू मेक अ स्टडी ओवर बोथ द वॉइडिंग एंड स्टैटिक फेज ऑफ द ब्लैडर, ठीक है, क्लियर। तो यूरोडायनेमिक स्टडी से आप कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द मसल के बारे में आप जान सकते हैं। हेलो, सारी चीजों को डिस्कस किया था इनकॉन्टिनेंस में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सिस्टोस्कोपी इसने बताया था। सिस्टोस्कोपी इज द वे बाय व्हिच यू कैन सी एवरीथिंग। ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, पैपिलरी प्रोजेक्शन नहीं है। और एक मजे की बात याद रखो, स्टोन का क्लियर कट डायग्नोसिस जो किया जाता है ब्लैडर स्टोन का, जानते हो वो क्या है? दैट इज सिस्टोस्कोपी, ठीक है, इज द बेस्ट थिंग। तो सिस्टो वो चीजें से जाओ डायरेक्ट जाकर के देख लो, है ना। अब ब्लैडर ऑर्नमेंट ऑब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं, दैट इज द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की किसी पैथोलॉजी को जानना हो, यूरेथ्रा में क्या क्या पैथोलॉजी हो सकता है? सबसे कॉमन पैथोलॉजी स्ट्रिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट स्टोन में ही फंस सकता है। और पैथोलॉजी क्या हो सकता है? चलो कार्सिनोमा तो यूजुअली हर जगह एक फेंक ही देता है। फिर नेक्स्ट बताओ, अरे बहुत सारी चलो एक मैंने बताया यूरेथ्रा डायवर्टिकुला। यूरेथ्रा डायवर्टिकुला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ग्लैंड्स ऑफ लीडर शेप होता है, ठीक है, एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। दो ग्लैंड्स होते हैं हमारे जो कि पेनिस में आकर के पर्टिकुलरली पोस्टीरियर यूरेथ्रल बॉर्डर पे आकर के खुलते हैं। एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं जो कि प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में खुलता है, है ना, याद रखना ये चीज। लीडर्स ग्लैंड होते हैं वो डॉर्सली लोकेटेड होते हैं parallel to urethra, bulbar urethra, bulbar gland sorry, penile urethra, pendulous urethra, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई obstruction suppose करो कि यहाँ stenosis हो गया, मतलब sorry, stricture urethra हो गया है। stricture urethra हो जाएगा तो इधर के pressure बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो भी infection या reflection जो है, वो क्या होता है? glands of leaders में जाकर के चला जाएगा, ठीक है। और pressure इतना बढ़ जाता है कि वहाँ से मुखोशा बल्जॉट हो जाता है। इन्फेक्टेड हो गया, वो खत्म हो गया ग्लैंड्स, वहां से मुकोशा जो बल्ज आउट हो गया वही यूरेथ्रा डायवर्टिकुला होता है, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल होता है पल्सन डायवर्टिकुला का, ठीक है। तो ये कैसे कराएगा भाई आपका ऑब्स्ट्रक्शन? ये ऑब्स्ट्रक्शन कराता है कि उसकी यदि इन्फेक्शन हो गया तो पेरिफिनाइल क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा और फाइब्रोसिस होगा, तो वो बाहर से यूरेथ्रल ल्यूमन को ब्लॉक कर देगा, है ना। तो चलो ये समझ गए। तो इसकी स्टडी हम लोग कैसे रेडियोलॉजिकली करते हैं? बाय आरजीयू एंड एमसीयू। कोई जानता है आरजीयू एमसीयू क्या होता है? एक्चुअली सिस्टम रेडियोलॉजी। अरे बहुत अच्छा, सभी लोगों को फॉर्म पता है, एक नंबर मिल गए। तो चलो बताओ इसमें कॉशंस क्या लेते हैं? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी पिक्चर भी दिखाया हूं, नहीं मानोगा चाहे टाइम पर सब कुछ। ये बेसिकली बताना है मुझे जो कि अभी दूर जा रहा है, इसको थोड़ा सा